मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ, उस काम में लगा हूँ। अगर आपको खराब से खराब कोई बुखार हो जाए, जैसे चिकनगुनिया, जैसे डेंगू फीवर, जैसे इंसेफ्लाइटिस, ब्रेन मलेरिया जिसको कहते हैं, ये सभी बुखार को ठीक करने की ताकत हार सिंगार के पत्तों में है। 5 पत्ते तोड़ो, पत्थर में पीस के चटनी बनाओ, 1 गिलास पानी में इतना गर्म करो, पानी आधा हो जाए, फिर इसको ठंडा करके पी लो। बुखार के किसी भी मरीज को 3 दिन से ज्यादा मत देना। गठिया के रोग में 3 महीने तक लेना और बुखार में 3 ही दिन लेना, चौथा दिन जरूरत नहीं है। और बुखार की एक अच्छी दवा बताता हूं, धनिया, ये तुलसी पत्ता, 15-20 ले लो, पत्थर में पीसो और 3-4 काली मिर्च पीसो, पानी में उबाल दो इसको, फिर उस पानी को पी लो, ये भी बुखार ठीक करता है। बुखार की और एक अच्छी दवा है नीम की गिलोय। नीम के पेड़ पर एक बेल आती है, उसको हम गिलोय कहते हैं, अमृता कहते हैं, कोई लोग गुड़ुची कहते हैं, गुड़ुंच भी कहते हैं। वो गिलोय को थोड़ा सा काटो चाकू से, इतनी बड़ी डंडी उसकी, पत्थर पे पीस के 1 गिलास पानी में उबाल दो और उबालना इतना है कि पानी आधा हो जाए, फिर उसको पी लो ठंडा करके। खराब से खराब बुखार में इसके परिणाम आते हैं। मैं आपको बहुत विनम्रता से लेकिन पक्का विश्वास करके कह रहा हूं, दसियों साल का मेरा तजुर्बा है, जो बुखार किसी दवा से ना उतरे वो नीम की गिलोय से 100% उतरेगा। बड़े बड़े एंटीबायोटिक जब फेल हो जाते हैं बुखार में, ये नीम की गिलोय काम आती है। और आप इसको याद रखना हमेशा। कई बार ऐसा होता है कि बुखार जब बहुत गहरा हो जाए तो शरीर में प्लेटलेट्स जो ब्लड में है वो बहुत तेजी से गिरने लगते हैं, WBC कम हो जाते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल, और मरने की हालत आ जाती है पेशेंट की। उस समय आप अगर ये नीम की गिलोय का काढ़ा दे दें तो मरता हुआ आदमी जिंदा हो जाए, इसलिए इसको अमृत औषधि कहा गया है, अमृता इसका नाम। और ये कहीं भी मिल जाती है आसानी से, आप अपने घर में लगा सकते हैं, नीम के पेड़ पर ये चढ़े तो बहुत अच्छा है, नहीं तो किसी भी तरह से इसको बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।